रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? ले खा, खा, खा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आप देख सकते हो ये रही अपनी शैडो, अपनी नहीं, ये है हमारे अमन भाई की, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में ये ली अपनी NS 200। तो आज मैंने सोचा इसका करते हैं माइलेज टेस्ट। जैसे आपने अपनी सोल का देखा होगा, जो कि मैंने माइलेज टेस्ट करा था उसका भी, तो हमारे अमन भाई ने बोला कि इसका भी कर दो यार, तो अपने अमन भाई को मना कैसे कर सकते, क्यों अमन भाई? तो चले फिर, तो अब इसका सिनेमैटिक एक बार एंजॉय करो, उसके बाद दिखाते हैं आपको माइलेज वीडियो। तो गाइस, जैसे कि अब हम आ चुके हैं अमन की शैडो से पेट्रोल निकालने, अब इसको करेंगे खाली, क्योंकि इसमें भी काफी पेट्रोल है जहाँ तक है, देखते हैं कितना है। अभी इसमें तो पेट्रोल ही नहीं निकालने का, कोई नहीं, ये भी होता है भाई, इसका पेट्रोल निकाल दो यार। तो गाइस, इसका पेट्रोल निकालते हैं, ये दिखाइयो, ये रही अपनी 1 लीटर की है ना, ये 1 लीटर, इसको खाली करके इसमें करेंगे फुल, फिर आपको दिखाते हैं इसका माइलेज बना के। ले पकड़, तो फटाफट इसका तेल निकालते, फिर आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं, इन्जॉय करना लास्ट तक, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से हम निकलेंगे नीचे, अमन की बाइक में थोड़ा स्पीकर भी लगाना है, तो वहाँ भी चलेंगे और माइलेज भी निकाल लेंगे। तो पहले इसका निकालते पूरा फ्यूल, हाँ इसकी गाड़ी तेल निकालने नहीं मन रही है, इसकी गाड़ी मना कर रही है, मुझे मत निकालो। अब करते हैं डबल स्टैंड में, फिर चेक करते हैं यार, तेल तो निकालना ही है इसका, माइलेज वीडियो बनानी है तो अगर पूरी। दूसरा भाई ट्राई करेगा इसमें पेट्रोल निकालने की। अब निकल जाएगा शायद, ना अभी भी नहीं निकल रहा। अब हैदर भाई तुम ही ट्राई करोगे क्या? अब गुरु ही आएंगे भाई, अब गुरु की एंट्री है। तेल निकलने नहीं मान रहा इसकी शैडो से, अब तो शैडो बनी जाएगी एनएस में। भाई निकल गया, आखिर गुरु से ही हुआ। चलो चलो, दूसरी बोतल भी तैयार रखना भाई, फिर हाँ इसका मुंह बंद कर लियो बस, ठीक है मैं इसी को बताऊंगा। ये भाई खड़ा हुआ है यहीं पर, फ्यूल निकल रहा है, पूरी टंकी खाली करके आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे एकदम खाली टंकी से, फिर आगे की वीडियो दिखा दो, वेट करो। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी एनएस का तेल निकाल लिया था, 1 लीटर तेल ये रहा, आप यहाँ चेक कर सकते हो 1 लीटर, और इसको हमने पूरी खाली कर दी चलाने के बाद, अब यहाँ पे मीटर भी चेक कर सकते हो, फ्यूल का एकदम लो है, ख़त्म है, मतलब लो क्या बोल सकते हैं, खाली हो चुकी है। आपको एक बार स्टार्ट करके सुना देता हूँ मैं, ये देख सकते हो, ये चेक कर सकते हो, तो मतलब पूरा तेल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल स्टार्ट होने नहीं मान रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर तेल, अमन भाई तेल डालो इसमें। अब अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? ले खा, खा, खा। तो गाइस, जैसे कि अब इसमें हमने डाल दिया पूरा 1 लीटर तेल, अब ये देख सकते हो पूरी खाली कर दी है, इसे अब हम रखेंगे बैग में, फेंकेंगे नहीं। तो अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि खाली टंकी के बाद एकदम से स्टार्ट होती नहीं होती कोल्ड स्टार्ट करके, ये देख सकते हो, मतलब ये कि तेल डालते ही गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चेक कर रहे हो, ये देख सकते हो। अब इसको एक बार बंद कर देते हैं, अब इसको कर देते हैं हम इसका ट्रिप 1, इसने चला दी, इसको ट्रिप कर देते गाइस 11-17, इसको 0 कर देते, फिर आपको चेक कराएंगे इसका किलोमीटर। सो गाइस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ट्रिप 1 कर दिया मैंने 0, अब लगाते हैं हेलमेट को अपने फ़ोन पर और आपको पूरा राइड कराएंगे, दिखाएंगे कितनी किलोमीटर चलेगी ये 1 लीटर तेल पर, कि हर NS वाले को पता चल जाए कि कितना चलता है। तो अपनी डोमिनार का भी मैंने बनाया था, तो अब NS का बनाने जा रहा हूँ मैं, तो ये अपने अमन भाई की है, तो चले अमन भाई, चलो चलो, लेट्स गो गाइस, इस ब्लॉग को एंजॉय करो, काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा सा स्टिकर भी करवाना है ना, स्टिकर भी होगा, तो इसमें स्टिकर भी लगाना है, तो हम नीचे चलेंगे, तो स्टिकर भी लगाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। तो चलो चलते बिना किसी बकबक के, लेट्स गो। तो गाइस चलो करते स्टार्ट, अब देखना यार ये कितनी खींचेगी, क्योंकि जब मैं अपनी डोमिनार का कर रहा था ना गाइस, सुबह से शाम हो गए थे यार, वो ख़त्म नहीं हुआ था तेल में, सच बताऊँ सुबह से तो नहीं शाम, हमने दिन के टाइम स्टार्ट करा था, रात हो गई थी। अगर किसी ने डोमिनार वाला नहीं देखा माइलेज वीडियो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
आप वहाँ जाके डोमिनार का भी चेक कर सकते हो, काफ़ी खलबत था वो भी यार, काफ़ी मेहनत लगी थी इसमें भी, काफ़ी मेहनत लगी यार। तो चलो इसे इंजॉय करो, चेक करते रहेंगे कि कितना कितना चल रही है, कितना नहीं चल रही है, और क्लियर भी हो जाएगा हाँ यार इतना NS 201 लीटर पे इतना चल रही है, क्योंकि जो डोमिनार है वो मेरी कितना दे रही है, 1 लीटर पे दे रही थी वो 33 का माइलेज दे रही थी उस टाइम मुझे। तो अब इसका चेक करते हैं NS 200 का, जो कि हमारे अमन भाई की है ये, तो इसका चेक करते माइलेज, फिर इसका एक दिन रिव्यू भी बताएंगे यार कि अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है ले या ना ले, क्या कैसी बाइक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो अमन भाई का भी एक्सपीरियंस लेंगे NS को लेकर। तो चलो चलते हैं। तो गाइज आज इसमें करेंगे थोड़ी हाइपर राइडिंग। हाइपर राइडिंग क्या करेंगे, सिटी राइड करेंगे। इसका माइलेज मैं आपको सिटी में दिखाऊंगा निकाल के क्या कितना माइलेज दे रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाईवे का पता कर सकते हैं, फिर तो ज़्यादा ही देगी यार सिटी के अकॉर्डिंग। तो चलते निकालते फिर नीचे चलते, इसमें स्टिकर भी लगाना है। तो गाइज जैसे NS की बात करें ना, एक टाइम पर NS मेरी यार सच बताऊँ तो कसम से बहुत शौक था कि NS लेनी है मुझे, मतलब अपने साथ वालों के पास थी तो मुझे ऐसा था यार NS लेनी है, NS लेनी है, बात ख़त्म। बट फिर पता नहीं क्या जोश चढ़ा, मैंने डोमिनार ले ली उस टाइम। बट ये है कि मुझे NS काफ़ी शौक था मुझे स्टार्टिंग में लेने का, जब मैं देखता था ना यार ऐसा लगता था यार क्या बाइक है, बाइक हो तो एकदम NS जैसी। ये अब्दुल था ना संजय भाई की बाइक लगे, सो मैं बोल रहा था बाइक हो तो यार अपनी NS जैसी हो, उस टाइम ऐसा था यार मुझे कि हाँ बस NS ही लेनी है मुझे और कोई सी बाइक नहीं लेनी। सही है गाइस, मतलब खिंचती है, मतलब इसका मैं थोड़ा स्ट्रेट रोड आने दो तो इसका मैं गियर भी दिखाऊंगा, फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है, सेकंड थर्ड तो नहीं देखेंगे यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट गियर देखेंगे, फर्स्ट या सेकंड बस, और 0 to 100 भी देखेंगे कितने सेकंड में जा रही है। अब गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करेंगे बिल्कुल भी ना, गाड़ी न्यूट्रल नहीं करेंगे हम, गाड़ी रखेंगे खुली। तो गाइस जैसे कि अमन का एक्सपीरियंस भी लेंगे, तो अभी तो गाइस जैसे आप चेक कर सकते हो अभी 2 किलोमीटर चल गया है, तो अभी पूरा माइलेज निकालेंगे इसका यार, काफ़ी मज़ा आता है यार माइलेज वीडियो निकालने में, तो मुझे मज़ा आता है और दूसरी बाइक में तो और भी मज़ा आता है, पर ये यार कसम से बाइक लो ना यार, स्पोर्ट्स बाइक लो, मैं तो ये बोलता हूँ, हर लॉन्डे का सपना होता है यार एक स्पोर्ट्स बाइक लेना, और मैं तो सोचता हूँ सबका सपना पूरा हो जल्द से जल्द। हमारे अमन भाई ने भी काफ़ी मेहनत करके खुद ली यार ये बाइक NS, लॉन्डा बहुत मेहनती है इतना ही बात है, खुद ली है इसने यार ये बाइक। ऐसे चलते हैं अपना राजपुर व्यू दिखाएंगे। अच्छा अपने जो तूने शैडो नाम रखा ना, इसका मतलब पता क्या, मतलब क्या सोच के रखा तूने शैडो नाम ना, मतलब है परछाई। हाँ अगर आप अंधेरे में चलोगे हाँ तो आपकी परछाई आपके साथ है। हाँ अगर भी हम देखो धूप में ट्रैवल कर रहे हैं हाँ हमारी परछाई हमारे साथ है। अरे अरे परछाई हमारे साथ है, कभी छोड़ती नहीं है साथ। मतलब ये है कि तेरी बाइक का नाम का भी मतलब एकदम डीप मीनिंग है। मतलब मेरा मानना ये है बाइक से कि शैडो मतलब है हाँ साथ ही छोड़ती है। हम्म कहीं से भी ट्रैवल कर रहा है कुछ भी कर रहा है। हाँ ये तो है सही है, मतलब ये है कि सही है शैडो नाम तूने सही चूज करा। सो गाइस जैसे कि आपने सुनी लिया होगा अपने अमन भाई ने इसका नाम शैडो क्यों रखा, मतलब यही है कि एक डीप मीनिंग है इसका भी यार, मतलब ये कि फीलिंग के साथ रखा है, ऐसी हवे हवे में नहीं रखा है नाम ना, मतलब कुछ सोच समझ के रखा है तूने इसका नाम। भाई बाइक ऐसी चीज है ना,
हाँ भाई हीरो, बाइक ऐसी चीज है ना मन भाई जो कभी साथ नहीं छोड़ती। मतलब आप रोहित भाई मानोगे नहीं, जो मैंने बाइक ली ना मेरी, तो मेरी सेकंड स्पोर्ट बाइक है। हाँ हाँ, पहले R15 थी। हाँ R15 थी तेरे पास। मतलब बहुत ज्यादा लगाव था ना, बहुत कम था इतने में। हाँ हाँ, लेकिन एक ना वैसा होता ना कि जैसे पेरेंट्स का अटैचमेंट है, कहीं भी अगर आप खुश है तो आप ट्रैवल करते हैं, जब आप दुखी है तब आपको मतलब हर समय आपके साथ रहेगी यार। हाँ वो तो है, वो सही यार, अच्छा यार नाम शैडो, मीनिंग होना चाहिए देख चीज का ना, ये नहीं कि कुछ भी ना हो, मीनिंग है उस चीज का और भी अच्छा है। चल मीनिंग ना हो तब भी ठीक है, मगर किसी चीज का मीनिंग हो ना और बढ़िया लगता है वो चीज ना, पता है हमने क्यों करा है। हाँ, अगर कोई बोलेगा भाई शैडो क्या नाम हुआ, तू उसे क्लियर कर सकता है भाई ये नाम हुआ शैडो। मैंने क्या सोचा है मेरे माइंड में क्या था बैकअप, उससे पहले आपको पता ही मतलब एक मिडिल क्लास के भाई। अरे वो तो है भाई, भाई हम जैसों के लिए अमन ना स्पोर्ट्स बाइक ना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ H2 के बराबर है मान ली भाई, है H2 के बराबर है कसम से मान ली बाइक है। भाई वो तो है भाई, और ये ऐसी चीज़ है ना तो हर कोई साथ छोड़ जाएगा, ये साथ नहीं छोड़ेगी भाई ये ना, आपको हर समय आप भाई मेरे दुख दर्द में यही खुशी देती है। निकल जाओ भाई बाइक लेके, अगर तुझे लग रहा है लो फील बाइक ले, सोलो राइड में निकल शांति से, काफी अच्छा फील करेगा तू उसके बाद। अरे यार ये किस बात की भीड़ हो रही है गाइस, वही मैं सोच रहा हूँ रिएक्शन अमन की बाइक का। सो गाइस जैसे आप चेक कर सकते हो यार, अब तक ये चल चुकी है अपनी 6.2 किलोमीटर 1 लीटर तेल पे, यानी कि अभी लगा लो 30 किलोमीटर तो हमें चलना ही चलना है। तो इसी बहाने हम नीचे भी जा रहे हैं, अपना काम भी हो जाएगा और थोड़ी हाइपर राइडिंग भी कर लेंगे। यार जैसे कि यार जो NSK है ना, जो ब्रेक है वो मुझे काफ़ी सही लगे यार, अकॉर्डिंग टू अपने डोमिनार 250 के, क्योंकि यार उसमें ना थोड़ा सा लेट लगता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मैं सच बताऊँ तो। बट जो NS 200 के ब्रेक है ना, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है स्पीड में एकदम ब्रेक मारने के, जो अपनी डोमिनार 250 उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना ज़्यादा, वो बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो बट वो चीज़ मैं आज भी रखता हूँ, क्योंकि NS 200 चला रहा हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया बाइक है ये, काफ़ी अच्छी रेंज में आ जाती है बाइक आपकी, ये कि इसके ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं। क्या वन भाई, भाई बोलो तार दो, आप एवरेज वीडियो बना के लियो भाई, तू ही तो बोल रहा था वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है भाई, आप बाइक ले जा लो। अरे यार भाई ऐसा मत कर गाइस, लास्ट में अमन का रिएक्शन वीडियो लेंगे। ये सच बताओ यार, अमन बाइक में नहीं है इतना, ये है कार वाला बंदा है और हम है बाइकर्स, इसे कार भगवा लो, ये बाइक नहीं चलाता यार, ये 60 से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो आज ये मेरे साथ बैठा है, 100-110 प्लस में बैठा है ये, मुझे ना सीट बेल्ट की याद आ रही है। अरे मालिक इतना भी नहीं भाई, 110 पे थे बताया है, मैं बस खाली मेरे को कोई देख रहा था, मेरी आंख की नींद पा रही। मैं बस ये कह रहा था भगवान कल के करवा दो। तो गाइस यार अमन की हालत डाउन हो चुकी है सच बताए, बहुत होता है यार 110 बाइक को बता, भाई बहुत तेज चलती है 110। तो गाइस जैसे कि आप चेक कर सकते हो, इतना चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं 23.7 किलोमीटर में, देखते हैं कितना चल जाएगी, हम पूरा घूमे। मैंने ब्लॉग रोक दिया था यार, क्योंकि फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं थी और काफ़ी लंबा ब्लॉग खींच जाता, इतना लंबा ब्लॉग करेगा क्या करना है ये बताओ, बहुत लंबा ब्लॉग खींच जाता और कुछ नहीं। तो बट अब कंटिन्यू कर रहे हैं, अब देखते हैं कितनी चलती है, जहाँ तक चलेगी ठीक है, खींचना चाहिए, देखते यार माइलेज कितना देती है। तो गाइस आप चेक कर सकते हो इसमें बाइक में कुछ चेंज सा आ गया होगा एकदम, तो हमने नीचे जाकर इसमें ये लिखवाया, मॉम डैड लिखवाया और यहाँ पे शैडो लिखवाया अमन ने, जो कि इसकी बाइक का नाम है। इसका ख़र्चा बता दूं मैं, जो कि ये पड़ा इसको 100 रुपये का मॉम डैड पड़ा इसने जो ये लिखवाया, और 50-60 रुपये का ये पड़ा इसे शैडो, मतलब 200 के अंदर ये काम हो गया। तो ये काम भी करा लिया हमने, सोचा माइलेज वीडियो बनाते बनाते काम भी निपटा लेते हैं, इसलिए हम ये करने भी चले गए थे। तो अब ऊपर चलते सीधा घर की ओर, शायद जाते जाते इसका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो।
तो इसलिए से मैंने व्लॉग रोक दिया था गाइस, ये मत सोचना कि पेट्रोल वेट्रोल भर लिया हमने इसमें, कुछ नहीं मिलेगा हमें पेट्रोल भर के यार इसमें, बस इसलिए से करा क्योंकि यार वीडियो लंबी खींच जाती और कुछ नहीं, बहुत लंबी वीडियो खींच जाती, तो इसलिए से रोक दिया उसे मैंने। सो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो इसका माइलेज हमने निकाला था 25.9 किलोमीटर आया है, जो कि ठीक है। अमन भाई से पूछते हैं, अमन कितना क्या लग रहा तुझे? खुश है तू इतना से? यहाँ ठीक दे रही है। तो गाइस मतलब चलो ठीक है, 25.9 यानी कि 26 किलोमीटर का माइलेज आया है। ओके ठीक है, मुझे तो ओके ओके लगा, इसमें अच्छा भी नहीं बोलूँगा जी, बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मेरी अपनी डोमिनार है उसका माइलेज आ रहा था 30, तो अभी इसकी सर्विस भी नहीं है, सर्विस मांग रही है, तो आफ्टर सर्विस देखते क्या कैसे रिजल्ट आता है। तो अगर आपको आफ्टर सर्विस का भी रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करके बताना मुझे, तो आफ्टर सर्विस का भी लेके आऊँगा मैं। तो चलो आपको मैंने पूरा ब्लॉग दिखा दिया कि कितना कैसा किलोमीटर चल रही है एक लीटर पे, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना है, लाल कलर का बटन है साउंड बन के उड़ा देना गाइस। जब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, बाय, टेक केयर।